नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रीट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो होने वाला आपके लिए महत्वपूर्ण, इसलिए इसको अभी से कर दीजिए लाइक और बने रहिए 2 से 3 मिनट तक वीडियो के साथ। इसमें चर्चा करेंगे रीट शिक्षक भर्ती के विभिन्न पहलुओं पर। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रीट भर्ती 2019 का जो समाचार है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि विभाग जो है वो अड़ंगा लगा रहा है, तो इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सरकार से बेरोजगारों की जो प्रस्तावित मीटिंग कल होने वाली थी वो नहीं हो पाई, अब उसके कब होने की संभावना है और कब कब तक ये निर्णय होने की संभावना है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम विभाग की, तो पिछले दिनों एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी, उसके अकॉर्डिंग आपको पता है सरकार ने अभी तक बोर्ड को कुछ भी संकेत नहीं दिए हैं। कोई विभागीय कार्रवाई या मुख्यमंत्री स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर अभी प्रयास शुरू नहीं हुए, इसलिए ये भर्ती है वो डिले हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, सरकार ने अभी तक न तो ये प्राथमिकताएं तय की है कि ये भर्ती किस पैटर्न पर होगी, 2 एग्ज़ाम होगी या 1 होगी। इसके अलावा बोर्ड जो है वो अभी सरकार के आदेशों का इंतजार कर रहा है, बोर्ड के पास कुछ डेट्स नहीं है। इस बात को लेकर उपेन भाई ने पहले भी कुछ संकेत दिए थे। इसके बाद हम बात करते हैं सरकार से, जो आज की बेरोजगारों की प्रस्तावित मीटिंग है कल नहीं हो पाई, उसमें आज किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, इसे स्वयं उपेन भाई ने खुद ट्वीट करके चर्चा की है। इस पे उपेन जी के अनुसार सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से जन के दौरान जो मुलाकात होनी थी विभिन्न मांगों को लेकर ऑफिशियल मीटिंग वो नहीं हो पाई है, और कल अधिकारियों और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री जी की 4 बजे मीटिंग प्रस्तावित है और वो उसमें विभिन्न भर्तियों पर चर्चा की जाएगी। तो ये मीटिंग आज होने की संभावना है। सबसे पहले सीएम की मीटिंग ऑफिसर्स के साथ है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। कल की मीटिंग में नई रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा और रीट शिक्षक के भर्ती 2018 की एक और सूची। तो ये आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहीं से आ रही है कि कल की मीटिंग, यानी ये मीटिंग आज होने वाली है। कल का ट्वीट है, कल का जो फेसबुक अपडेट है उनका, उसके अकॉर्डिंग है रीट की नई शिक्षक भर्ती परीक्षा और रीट शिक्षक भर्ती 2018 की एक और सूची, जिसकी मांग जोर शोर से अभी की जा रही है, उन दोनों पर इसके निर्णय होने की संभावना है, फैसला होने की संभावना है। ये जैसे ही इस पर कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो आपको चैनल पर शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा अन्य भर्तियों पर भी इसमें चर्चा हो रही है, तो इसमें RPSC और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड सहित अनेक की भर्ती परीक्षाएं सम्मिलित हैं। दोस्तों 2018 भर्ती के करीब 3,500 पद लेवल 2 के खाली है और करीब 2 से 2,500 लेवल 1 के हैं। दोनों की वेटिंग और रिशफल के प्रयास बेरोजगारों द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन हर बार निदेशालय कुछ न कुछ अड़ंगा लगा रहे हैं। सूची को लेकर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि नियमों का अड़ंगा यहाँ लगाया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग का कहना है कि बार बार रिसफल परिणाम जारी करना विधि सम्मत और तर्क संगत नहीं है, इससे जिला परिवर्तन होता है। और विभाग ने मूल चयन सूची जो है वो 3 सितंबर 2018 को जारी की, उसके बाद 6 महीने फरवरी 2019 में हो गए रिसफल और प्रतीक्षा सूची जारी कर दी थी, और मूल सूची जारी करते हुए करने के बाद 6 महीने बीत चुके हैं, तो अब प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जा सकती। तो ये उन्होंने, विभाग ने कहा है कि अब ये प्रतीक्षा सूची संभव नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि 2015 की कई भर्ती परीक्षाएं, उनकी प्रतीक्षा सूचियां और अन्य जो सूचियां हैं वो अभी भी जारी हो रही है, तो इसकी क्यों नहीं। तो ये प्रयास निश्चित रूप से आज इस पर कुछ न कुछ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है, दोनों ही नई भर्ती और वेटिंग पर। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी चैनल पर तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं, और वीडियो को देखने के लिए बहुत अधिक धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे।